चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम भाई। आपने ऐसे टैलेंट तो मिला देंगे जबकि अपना हरियाणा में टैलेंट की तो कमी नहीं है। 14 साल की उम्र में छोरा नेशनल इंटरनेशनल स्टेट सारे गेम कर रहा है और गेम में भी एक में नहीं, मतलब कि आप देख सको हो मेडल की जड़ी लगा रखी है। मेडल में मेडल, गोल्ड सिल्वर सारे मेडल जा रहा है और कई गेमों में जा रहा है भाई, कई गेम कर रहा है। सबसे पहले तो नाम बता दे बेटा। मेरा नाम नवनीत है। गांव भी बता दे अपना। मैं बूढ़ा खेड़ा से हूँ। मैं कराटे टाइकमांडो मतलब मिक्स मार्शल आर्ट खेलता हूँ। बेटा शुरुआत कब करी थी खेलने की? क्योंकि 14 साल का बालक तो आपने बेरा है, अभी तो इतनी नॉलेज उन दिखो नहीं है, गाइड किसने कराया था गेम के लिए? फर्स्टली तो स्कूल में ये कोचिंग स्टार्ट हुई थी, फिर पेरेंट्स ने कहा भी ज्वाइन कर ले। जब 2021 में मैंने कोचिंग लेने शुरू किया और दिसंबर में ही टूर्नामेंट थी वो इंटरनेशनल, जिसमें मैंने गोल्ड प्राप्त किया और कोच ने भी अच्छा सहारा दिया और सबने परिवार ने भी अच्छा मोटिवेशनल दिया। प्रैक्टिस भी करनी होगी जो आप गेम करो हो, उसमें कितनी देर प्रैक्टिस करो हो आप? कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है, जिसमें एक्सरसाइज वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस और मेडिटेशन वगैरह सब चीज़ होती है, फाइट भी होती है। पढ़ाई की पढ़ लिखाई कहाँ था जिस टाइम आप मेडल लेकर आए थे? उस टाइम गांव में रहे करते कि शहर में आ गए थे? उस टाइम तो हम शहर में थे, शहर में 2019 में आ गए थे हम और 2021 में मैंने शुरू कर दिया था। और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में एक कोचिंग स्टार्ट हुई थी, वहीं से ही मैंने पढ़ाई भी की और वहीं से अपना कोचिंग करियर वगैरह सही है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद गांव ने प्यार प्रेम कितना दिया था? बहुत सारा सपोर्ट आया और प्यार प्रेम भी सब बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा स्वागत किया। और इतनी उम्मीद थी कि भाई इतनी इज्जत भी हो है कोई मेडल लेकर आवे तो गांव में, क्योंकि सबसे पहला मेडल आप ही लेकर आए थे गांव में? ऐसा सोचा तो नहीं था कभी। बात अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। बढ़िया स्वागत किया उन्होंने गांव वालों ने मेरा, और मेरे भाई बहन सारे ने अच्छे से स्वागत किया बढ़िया तरीके से। ज्ञान भाई राम राम। सबसे पहले राम राम भाई सभी चढ़ता हरियाणा देखने वाले सब दर्शकों को, ज्ञान चंद बुढ़ा खेड़ा की तरफ से राम राम भाई। हेलो ज्ञान, मतलब जैसे बालक का पे जो नॉर्मल फैमिली नहीं अपनी, ज्यादातर मतलब कि खेल की ओर तो कम पे डंडा दे देख रहा है कि भाई पढ़ ले। आपने मतलब फिर भी उस चीज ग्रामीण अंचलता हो और उस चीज से बाहर निकले बच्चा कि भाई खेलना भी जरूरी है। तो ये सबसे पहले कि ये पढ़ाई में तो अव्वल है ही है। अच्छा, पढ़ाई में स्टार्टिंग से ही टॉप 3 में रहा है, फर्स्ट क्लास से लेके अपने पहले स्टार्टिंग से अपने ये स्कूल था अपना शिव शिक्षा निकेतन के संगण, उसमें पढ़ा। उसके बाद 4 साल ये समाणा पढ़ा, फिर समाणा से हम लॉकडाउन के अंदर यहाँ आ गए थे। यहाँ पर SRD पब्लिक स्कूल है जो प्रताप गेट पे, वहाँ पढ़ने लगा ये। तो ये कहने लगा पापा वहाँ पर कराटे की कोचिंग कराते हैं स्कूल में ही, भाई मैं चला जाऊँ। मैं बोला वहाँ चल चला जा तू, पढ़ाई में तो है ही है, हर फंक्शन में किसी प्रकार का स्कूल में कोई फंक्शन हो सभी फंक्शन में इसने भाग लेना ही लेना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई करा था ये। तो ये चला गया, ये 1 दिसंबर 2021 को स्टार्टिंग हो गई थी इसी क्लास इसकी कराटे की। फिर उसके बाद इसने ये मेरे को बोला 25 दिसंबर को बोला मेरे को 21 को, पापा ने कहा राजस्थान में प्रतियोगिता है एक, तो वहाँ जाना है। मैं बोला बेटा मैं हाँ, एक महीना भी नहीं होया अभी प्रैक्टिस कर दिया उन्हें, तो भाई के खेलेगा उनका भैया बोले उनका कोच भी कह रहे भाई चल। तो उसने परख लिया था। हाँ हाँ, तो कोच कह रहे भाई चलना पड़ेगा, मेरे से भी बात हुई कोच की, बोले भाई बच्चे को भेज दो वहाँ, कोई नहीं सर ले जाओ। जैसे वहाँ गया ये पहली मतलब हमसे पहली बार दूर होया था वो। वहाँ पर गए राजस्थान, 26 दिसंबर को इसकी फाइट हुई थी, उसमें वो सिल्वर मेडल जीता इसने। अच्छा। जैसे 29 को हमारे पास आया था ये शाम को, 29 को आते ही बोला पापा आगरा में 5 देशों की प्रतियोगिता है और उसमें भी कह रहे हैं कोच पे जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा भाई अभी तो गया था
एक महीना हो गया, कितना खेला गा, कितना कितना प्रैक्टिस कर लियो कितने, उनका ना कह रहे हैं कोच भी, कोच से बात हुई, कोच भी कह रहा है भाई सर देख लो अगर बजट हो तो भेज दो, क्योंकि यहाँ पर जितना भी खेल के अंदर जो भी पैसा लगता है माँ बाप का खुद का लगता है इसमें। तो मैं बोले चलो कोई नहीं जी, ओखा सोखा जैसे भी करेंगे। ये चला गया 31 को, वहाँ 29 को चला गया, और 30 और 31 दिसंबर की प्रतियोगिता थी आगरा के अंदर इंटरनेशनल, जिसमें 5 देश पार्टिसिपेट थे। तो मेरे पास शाम को 4 बजे 31 दिसंबर 4 बजे फ़ोन आया कोच का, बोला सर कंग्रेचुलेसन। मैं सर आपको भी कंग्रेचुलेसन, बोले भाई आपका लड़का ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, जिसमें से 3 देशों के बच्चों को हरा के ये गोल्ड मेडल जीता इसने, मैं आपको हमसे ज़्यादा तो आपको कंग्रेचुलेसन। उन्होंने ठीक है सर। वो बोले भाई सर हम कल 3:30 बजे तक, 1 तारीख को, 1 तारीख को 3:30 बजे तक हम आपके पास पहुँच जाएंगे। हाँ ठीक है सर। मैंने यहाँ पर उसी दिन मैं घर पे भी नहीं था, मैं ड्यूटी पे था। अच्छा। तो सुबह सुबह घर पे आया कि सारा अरेंजमेंट कराया, यहाँ पर भी मैंने मतलब पार्टी का प्रोग्राम कराया, यहाँ जितने भी आसपास के पड़ोस पड़ोस हैं सभी को खाना खिलाया मैंने शाम को, यहाँ शाम का प्रोग्राम रखा। ये वो ऐसे करते करते ये रात को 12 बजे आया था यहाँ पर। तो रात को 12 बजे भी मेरे को यहाँ, 1 साल हो गया था यहाँ कैथल रहे हुए, रात को 12 बजे भी कम से कम जाता नहीं, मैं कहता हूँ 300-350 आदमी रात 12 बजे भी इसका स्वागत के लिए खड़े थे। अच्छा, हाँ। तो फिर डीजे के साथ वहाँ से यहाँ लेके आए, तो फिर गांव से भी जो काफ़ी लड़के आ रहे थे, जैसे सेवा राम हो रहे हैं गाँव के, काफ़ी लड़के उस टाइम भी यहाँ थे रात को भी। फिर वो सेवा राम बोले भाई गाँव में भी हम स्वागत करेंगे इसका, गाँव में लेके जाएंगे। मैं भाई जैसे भी आपकी इच्छा, जिस तरह भी गाँव का सिस्टम बने उसी हिसाब से आप ले जा सकते हो इसको। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर कई टाइम प्रोग्राम रखा, कभी गाँव में किसी की डेथ हो जाती थी, कभी की कोई और प्रोग्राम, तो मतलब सारे प्रोग्राम कैंसिल हो करे। फिर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जयंती पर स्वागत प्रोग्राम रख लिया इन्होंने। तो फिर वहाँ से गांव बाप बल्दाना से डीजे के साथ मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह सभी, बारिश का मौसम था उसमें भी गांव वाले ने पूरा साथ दिया, पूरा साफ बढ़िया तरीके से घर गांव में स्वागत किया इसका, लेके चले गए। हाँ बहुत बढ़िया स्वागत था। तो उसके बाद वहाँ भी बढ़िया प्रोग्राम रहा बच्चों का। तो ये नवनीत कौन से देशों के पहलवान पटके थे गेम में आपने? एक तो श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, ये 3 वह थे फाइटर जिनसे मेरी लड़ाई हुई। और वो 2 तो मतलब मेरे उसके थे, और लास्ट वाला था ना जो, वो था ब्लैक बेल्ट, मतलब जो टॉप बेल्ट होती है ना उसमें, उसके साथ मेरी फाइट हुई थी। जो उसके साथ मेरी फाइट हुई उसमें मतलब बराबरी के थे हम दोनों, फिर लास्ट में मेरे को जिताया कर दिया था, अभी मैं जीत गया, मेरे ज़्यादा पॉइंट थे। तो इसमें पॉइंट के चक्कर हो रहा है, मतलब कि भाई क्योंकि बॉक्सिंग में बाद में बताऊँ है, क्योंकि खिलाड़ी ने पता नहीं होता आप जीत लियो कह रहे हो। जैसे किक होती है, किक फेस पे चलाओगे तो 3 पॉइंट, अगर छाती और या पेट पे लगी तो 2 पॉइंट, या किक के हिसाब से तो पॉइंट मिलेगा। ये भाई नवनीत की माता जी भी बैठी है, इनके साथ भी बात कराऊंगे। राम राम। राम राम जी। जैसे माँ का फर्ज हो गया, ज़्यादातर बच्चे जो है नी माँ ते ही जल्दी बताए गए हैं, पापा थोड़े शरमाए जावे हैं। आपके साथ ज्यादा खुल रहे हैं कि भाई साहब के साथ ज्यादा? वैसे तो जी मेरे साथ में ज्यादा है, बाकी इसी पापा से डिस्कस कर लेते हैं। जो खेल के लिए प्रोत्साहित किया था, आपने किया था या इनके पापा ने किया था? पहला तो नवनीत को जाता है जी श्री, इसने खुद कहा था मम्मी मैं प्रैक्टिस करने जाऊँ, आप खेल खेलूंगा। तो फिर माँ देख ले बेटा भाई इतने पढ़ाई भी करनी, 8वीं की पढ़ाई थी इसकी, बोले मम्मी मैं कर लूंगा, मैं चल बेटा देख ले फिर कर लेगा। तो बाकी इसको पढ़ाई के लिए तो मेरे को कहना भी नहीं पड़ता, और खेल के लिए तो कहना ही नहीं पड़ता, मतलब सुबह 4 बजे भी उठ कर प्रैक्टिस पे खुद जा रही है, वहाँ चंदाना गेट पे इतनी दूर अपने आप चले जाता। मतलब टैलेंट कुदरत ने जमा कोट कब रखा है नवनीत में? हाँ जी बहुत ज़्यादा। नवनीत आगे का क्या सपना है, क्योंकि ज़्यादातर जो हरियाणवी है नहीं ओलंपिक की तरफ रुक करेगा है, अपना क्या प्लान है आगे? मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक खेल सकूँ, पहले तो मैं
आउट ऑफ कंट्री खेलना चाहता हूँ, फिर मैं ओलंपिक की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहता हूँ। और जैसे आजकल चल रहे हैं खिलाड़ी बैठे हैं ज्ञान लिए, तो बात आप तक पूछूंगा, मतलब किसी भी देश का खिलाड़ी हो, किसी भी गांव का हो, मतलब सभी का हुआ है ना, उसका गांव होता जिस टाइम ऊंचा लेवल पर चले जाओ ना, उसकी कोई कास्ट होती है। आज जो खिलाड़ी दिल्ली जंतर मंतर बैठे हैं, देश की बेटियां, देश का गौरव बैठे हैं, वो लोग कुछ गंदे राजनेताओं ने जातिवादी में बांट दी। हाँ जी, ये कहाँ तक ठीक मान लो? मैं तो इसके लिए भी सरासर खिलाफ भी हूँ। और ये जो बड़े लोग हैं, जैसे कोई मंत्री MLA जो भी है, उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं कहता हूँ भाई ये अच्छा नहीं कर रहे लोग, क्योंकि खिलाड़ी है, देश की बेटी है, कोई भी है, कोई खिलाड़ी है, वो देश का नाम रोशन कर रहा है, अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है, तन मन धन सब लगा के, और एक देश को गोल्ड लेके आता है। तो ये मतलब जो भी इंसान उन्हें पहचान बनाई है पहलवाना, अपना दम पे बनाई है, अपनी मेहनत के दम पे पहचान बनाई है, अपनी मेहनत के दम पे पहचान बनाई है, ना कि किसी के किसी से मांग के ली, ना किसी के दबाव में की, अपने खुद के दम पे जाता है खिलाड़ी, परिवार पैसा भी लगाता है, सारा कुछ करता है खिलाड़ी है, कोई भी अपना पूरा शरीर का पसीना निचोड़ देता है बिल्कुल। कि वो गेम तो एक ऐसी चीज है कि आप तो सारी उम्र के लिए बैठ भी जाओगे, सारी उम्र के लिए घर पे ही बैठ जाए। बहुत से खिलाड़ी बैठे भी हैं जिनका कोई जैसे रीढ़ की हड्डी एक बार फ्रैक्चर होगी तो सारी उम्र के लिए घर पे बैठ गया बच्चा, कोई भी है खिलाड़ी है। तो ऐसा में जो ये गलत कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी जरूरी है। नवनीत बेटे, गेम अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी बीच बीच में छोड़ भी देवा? हाँ कंटिन्यू तो कर रहे हूँ, वैसे मैं बस कई बार हो जाता है, अभी काम का भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि अगले साल बोर्ड की क्लास है और कहीं मतलब ज़्यादा नहीं, और गेम पर दोनों बराबर ध्यान दे रहे हैं। हाँ मतलब ज़्यादा नहीं, महीने में सिर्फ एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा अगर छुट्टी लेनी है तो महीने में एक बार छुट्टी ले लेता हूँ, अगर प्रेशर काम का प्रेशर हो तो ज़्यादा, वैसे नहीं मैं कभी छुट्टी लेता। ओलंपिक में कितने साल बाद देखने मिलांगा नवनीत तक भाई? आज जालिया गांव बूढ़ा खिलाड़ा सोरा हरियाणा का, हिंदुस्तान का लड़का। अब जब भी ओलंपिक होगा 4 साल बाद होगा, अब कब होगा उस टाइम पक्का। इसमें थोड़ा सा ओलंपिक में उम्र का होता है, 18 साल के बाद ही ओलंपिक खेलेगा, तो उसके हाँ अभी 4 साल बच्चा भी है, तो उसके लिए क्वालिफाई करना होता है। ओलंपिक खेलने के लिए पहले क्वालिफाई करना होता है, हाँ तो पहले तो क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद जब भी ओलंपिक होगा आगे इसकी एज के बाद तो कोशिश करें। मेडल लिया हुआ है नहीं बालक, मतलब कि ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जब बड़े बड़े पहलवान ही बैठे हैं, नहीं इंसाफ में मांग रहे हैं, तो छोटिया की तो कड़क कदर नहीं होगी, कुछ कर रहा है सरकार? बिल्कुल नहीं जी, 1 रुपये का भी सहारा नहीं है जी। अच्छा हाँ जी, कोई भी किसी प्रकार का कोई सपोर्ट भी नहीं है जी। अच्छा मतलब किसी ने शाबाशी देना आया, कोई मंत्री तक नहीं आया? आज तक कोई भी नहीं आया जी। अच्छा हाँ जी, मतलब कि भाई ये हालात हैं अपना देश के, कंधिया ने विश्रम महसूस हुआ है क्योंकि इस देश का अन्न पानी खावा, हाँ कोई मंत्री पूछने भी को नहीं आया, उनके लिए तो ये है भाई बिरन देश में कितने मेडल लेकर आए हैं, लेकिन उन बालकों की मेहनत कौन देखते कि भाई 12-12 साल 13-13 साल बालक पसीना बहा है तब जाके ये मेडल आवे हैं। अंत में चढ़ता हरियाणा के दर्शकों ने पूरी फैमिली की कहना चाहेगी भाई? चढ़ता हरियाणा की टीम को और दर्शकों को ये कहेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये अब गांव का किसी भी शहर का हुनर है जो भी है भी अच्छी तरह दिखाए ये और सभी को पता लगे। बिल्कुल, और चढ़ता हरियाणा का ये सपना भी है, ये वादा करा भी था ग्रामीण अंचल के लोगों का, तो खासकर जिसमें भी कोई भी टैलेंट है नहीं, बेझिझक बुलाओ भाई, निस्वार्थ आवांगे और कोई शुल्क नहीं है अपना बिल्कुल, और आपके आवाज़ बन के बोलेंगे भी। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, जय जवान जय किसान।